खरगोन के गौशाला से छोटी मोहन टाकिस तक का मुख्य मार्ग जो कि दो दर्जन से अधिक कॉलोनियों को जोड़ता है, इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों और कीचड़ से सना मार्ग बहुत ही ज़्यादा जर्जर और खस्ता हाल है, जिससे कि राहगीरों को आवागमन में काफ़ी दिक्कत होती है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, पार्षद और रहवासियों ने उक्त समस्या से नगरपालिका और संबंधित अधिकारियों को लिखित में कई बार अवगत कराया, लेकिन इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। बार बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी उक्त मार्ग के सुधार और मरम्मत हेतु कुछ नहीं किया गया है। क्षेत्रीय रहवासी यासिर पठान और वारिस चौबे ने कहा है कि आज दिनांक से 5 दिवस के उक्त मार्ग पर सुधार या मरम्मत का कार्य नहीं किया गया, जो मजबूरी वंश हम रहवासियों को 5 दिवस उपरांत उक्त मार्ग पर कीचड़ आंदोलन कर गड्ढों पर पौधारोपण करेंगे। ज्ञात हो कि यासिर पठान वारिस चौबे पूर्व में भी इसी समस्या को लेकर कन्याशाला के पास कीचड़ धरने पर बैठे थे, जिसके तुरंत बाद एक दिन में ही उक्त मार्ग की मरम्मत कर आवागमन के लिए सुगम बनाया गया था। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। नगर पालिका ये गौशाला से लेकर छोटी मोहन टाकिस तक के बीच का रोड है, इस क्षेत्र का मेन रोड है। यहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा कॉलोनी को ये रोड जोड़ता है, लेकिन हर साल बारिश के अंदर इस रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। 2-2 फीट के गड्ढे हो जाते हैं, पानी भर जाता है, लेकिन यहाँ इस ओर नगर पालिका कभी कोई ध्यान नहीं दे रही। क्षेत्र के रहवासियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, पार्षदों ने कई बार इस समस्या से नगर पालिका को अवगत कराया, लेकिन नगर पालिका की कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अब हम सरकार का, क्षेत्र के रहवासी नगर पालिका से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगले 5 दिन के अंदर नगर पालिका इस रोड की मरम्मत करे। अगर नगर पालिका अगले 5 दिन के दरमियान इस रोड की मरम्मत नहीं करती तो हम क्षेत्र के रहवासी, जनप्रतिनिधि और पार्षदों को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।